और ऑपरेशन के बाद गांठ बढ़ने लगी ना, तो मेरे को भरोसा नहीं बैठा। शुरू में आपको, मेरे ख्याल से मैं आपको वही 20 दिन की दवाई दी होगी, तो मैंने बोला था आपका अगर पेशेंट को कुछ आराम लगेगा हाँ, तो आगे आपको दवाई दूंगा दूंगा। तो आपको क्या लगा था आपको? मेरे को एकदम बढ़िया लगा, यहाँ से दवा लेके गए हाँ, बच्चा एकदम खेलने लगा हाँ, सब कुछ करने लगा, खाने भी लगना एकदम बढ़िया, दवा भी चालू था। दोरा में कितना फर्क पड़ा आपको? दोरा नहीं आता, उसी टाइम में आया था, उसके बाद अब दोरे नहीं है? नहीं, एक बार भी दोरा नहीं, एक भी बार नहीं। 8 महीने के दौरान एक बार भी दोरा आपका नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। आपके पर्सनल डॉक्टर भी थे? घर पे ही थे, खाना मैंने बोला बता दो, उन्होंने बोला फर्क पड़ गया, बोले गोल है तो लंबे हो गए, बोले अच्छा अच्छा, वहाँ से वापस दवा लो, एडजस्ट हो, हमारे पास इसका इलाज नहीं है। बोले आप मलिक साहब? हाँ सर। हाँ हाँ, तो आज आपकी दवाई भी है बंद हो गई, आज बंद कर रहे हैं कि भी क्या कंडीशन थी जब हम आए, तो मदर जब डायग्नोज हुआ तो उन्होंने कहा था कि 10 दिन का प्रोग्राम, 10 दिन तक माता चली जाएगी। 10 दिन में ही हाँ, हालात, आवाज़ नहीं निकलती थी हाँ, चल नहीं पाते थे, खाना छूट गया था, लेटे रहते थे। यहाँ आने के बाद नेक्स्ट डे है, दूसरे दिन से बुखार नहीं हुआ, खाना बंद हो गया हाँ, खाना शुरू कर दिया हाँ, फ्रेश होने लगे हाँ, फैट कम हो गया हाँ, आवाज़ निकलनी बंद हो गई। जब तीसरी मंजिल तक सुनता है, नीचे से आवाज़ मारते हैं तो पता लगता है कि हाँ माँ बोली है, हम पे ग्लो आ गया है बच्चों जैसा, माँ बुढ़ापे में भी सोनी हो गई, तेज आ गया, मतलब चेहरे की तरफ देखने का मन करता है, यूं करता है कि देखते रहो। नहीं ये तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब जैसे इन्होंने मेडिसिन बंद कर दी तो वैसे इनको कैसे क्लियर हो गया अभी वो प्रॉब्लम जो खत्म हो गई? बहुत अच्छी बात आज आपने पूछी। आपका नाम जी? रविंद्र बलराम वल्ले। रविंद्र बलराम वल्ले। बलराम वल्ले, ये मेरा नहीं है, ये आपका बेटे का हाँ, ये आपका ना गणेश नाम है आपका बेटा, उनकी उम्र 16 साल है। 16 साल। आप महाराष्ट्र में कहाँ से हो? अमरनेर से, जलगांव जिला। अमरनेर? अमरनेर, जलगांव जिला। जलगांव जिला, जलगांव जिला से, ठीक है। आपके बेटे को ब्रेन में ट्यूमर थे हाँ, ब्रेन ट्यूमर था। और ट्रीटमेंट आपने कहाँ कहाँ करवा लिया था? मेरे पास आप आए थे आज, मेरे ख्याल से कितने महीने हो गए आपको? ये तो उम्र होगी आपके 6 महीने में, 8 तारीख 6 महीना 2021 में, ठीक है जी। और आज लगा लो 2022 चल रहा है, 3रा महीना आपका 6 महीने में आए थे, 8-9 महीने हो गए, ठीक है जी। तो इसने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराया था आपने अपने बेटे का? मैंने अपने पहले टाइम में मुंबई वाडिया, फिर जलगांव महाराष्ट्र से। जलगांव हाँ, तो क्या दिक्कत हुई थी बेटे को आपको शुरुआत में, क्या लगा था उनको? मेरे बच्चे को पहले झटके आने लगे थे अच्छा, एकदम ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा, तो 20 मिनट वो झटके रहे हाँ जी। फिर बाद में डॉक्टर बोले तुम अर्जेंट तुरंत जाने दो, बोले हॉस्पिटल बड़े मुंबई में अच्छा जी। वहाँ लेके गए, फिर डॉक्टर ने चेक किया, बोले इनको ब्रेन ट्यूमर है, बोले अच्छा जी, वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोला करो, तो किया उन्होंने। फिर दूसरे दिन रिपोर्ट आया, बोले कैंसर की गांठ है, बोले अच्छा जी, बोले कीमो लगाना पड़ेगा। मैं बोला लगाओ, तो बोले इधर तो तुमको रूम लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, तो एक काम करो, बोले तुम्हारे गांव में कौन सा है, बोलते जलगांव चलेगा, बोले वहाँ में हम दवा दे देते, बोले वहाँ कीमो लगवाने का, बोले तो वहाँ दवा दिया मेरे को, 6 मतलब 10 कीमो का दिया उन्होंने दवा। अच्छा, आपको बोला कि वही हाँ वही कर लो, बोले इधर तुमको रूम नहीं मिलेगा ना अच्छा, अच्छा मुंबई में हाँ, क्योंकि वो रोज का रहेगा ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने गांव में दे दिया। तो मैंने 19 कीमो लगाया, 20 को एक कम, 19 कीमो लगाया हाँ, फिर भी कोई नहीं लगा, फिर भी डॉक्टर बोल रहे हैं कोई भरोसा नहीं, कुछ कीमो देने का नहीं। अच्छा हाँ, फिर मैंने आपका यूट्यूब पे देखा, कीमो आपका लगा आपके बेटे को हाँ, 16 साल की उम्र बच्चे की जी हाँ, और 19 कीमो लगा, क्या कंडीशन हुई कीमो लगाने के बाद? कुछ नहीं। अच्छा, कमजोरी वैसे कुछ? कमजोरी नहीं, कुछ बाल भी गया नहीं, कुछ कुछ अच्छा, भी नहीं हुआ ठीक है जी। फिर भी डॉक्टर बोलते वो लगाने से कोई फायदा नहीं है हाँ, 2-3 साल वो रहेगा ही, कभी ना कभी झटका लगेगा ही, वो रहेगा मतलब हाँ, बस इतना उन लोगों ने बोला। फिर मेरे को भरोसा उठ गया, फिर मैंने यूट्यूब पे आपका देखा हाँ, आप तुरंत भगा, 8-6 को आए थे आपके हाँ, पास ठीक है जी, तुरंत इधर भगा, फिर यहाँ से मेरे को अच्छा लगा रिजल्ट। क्या मतलब रिजल्ट कैसे लगा, क्या क्या दिक्कतें होती थी आपके आपके बेटे को? बस यही झटके आए थे, वो गांठ बढ़ने लगी, गांठ बढ़ने हाँ, लगी, ऑपरेशन के बाद गांठ बढ़ने लगी ना, तो मेरे को भरोसा नहीं बैठा,
शुरू में आपको मेरे ख्याल से मैं आपको वही 20 दिन की दवाई दी होगी सर, एक महीने की, एक महीने की, एक महीने, एक महीने की दवाई दी, एक महीने। तो मैंने बोला था आपको अगर पेशेंट को कुछ आराम लगेगा तब आगे आपको दवाई दूंगा दूंगा। तो आपको क्या लगा था आपको? मेरे को एकदम बढ़िया लगा, यहाँ से दवा लेके गया, बच्चा एकदम खेलने लगा, सब कुछ करने लगा, खाने भी लगना, खाने लगा। पहले खाने में दिक्कत थी? हाँ थोड़ा सा ऐसा निमित, मतलब खाने में ऐसा ये नहीं होना वो नहीं होना, जैसे मिट्टी का बर्तन में शुरू किया एकदम बढ़िया, दवा भी चालू था। दोरा में कितना फर्क पड़ा आपको? दोरा नहीं आता, उसी टाइम में आया था, उसके बाद अब दोरे नहीं है? नहीं, एक बार भी दोरा, एक भी बार नहीं है, 8 महीने के दौरान एक बार भी दौरा आपका नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। ठीक है जी। और जैसे अभी आपने एक रिपोर्ट करवाया अभी? हाँ रिपोर्ट अभी चालू का है, अभी करंट रिपोर्ट करवाई आपने, तो इसमें आपकी गांठ है वो काफ़ी छोटी बताई है। हाँ, जो पहले से, पहले से वो 3.6 थी। हाँ, ठीक है, इसमें 3.3 बता रही है। हाँ बराबर, ठीक है। तो अभी गांठ भी आपकी चौड़ी हो गई, कम होनी शुरू होगी, ठीक है, ऐसे दबने लगी, दबने लगी एकदम। तो जिन्होंने MRI किया उन्होंने आपको बताया होगा? उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, मेरा मैं प्रेस वाला हूँ ना दुबे। अच्छा, तो मेरा डॉक्टर उनको बताया, आपके पर्सनल डॉक्टर भी थे घर पे ही थे, खाना मैंने बोला बता दो। उन्होंने बोला फर्क पड़ गया, बोले गोल है तो लंबे हो गए, बोले अच्छा अच्छा, वहाँ से वापस दवा लो, एडजस्ट, हमारे पास इसका इलाज नहीं है, बोले। अच्छा अच्छा, ये बात। तो देखो बड़ी खुशी हुई कि आप महाराष्ट्र से भी मान लो इतने दूर से आए, तो आपको जो भी आपने वीडियो देखा था, वीडियो में आपको लगा था कि यहाँ भी जाना चाहिए, तो उस चीज़ को आप अपने खुद का अनुभव है कि आज बिल्कुल ठीक हुआ। तो आप देसी गाय से जुड़े हो आप, आपके पास गाय है? नहीं गाय नहीं, जगह नहीं ना जगह रखने को। तो आप रोज गौमूत्र लेके? हाँ रोज लाते हैं। कहाँ से लाते हो गौमूत्र? अपने जोड़ीदार से, सेतीवाड़ी से। अच्छे, तो वहाँ पर गाय की सेवा करते हो? सेवन में धंधे में रहता, वो बेचारा करता है, उसको कभी कभी चारा दे देंगे, कभी 100 रुपये दे देता हूँ, कर लेता हूँ बेचारा, ठीक है, निकाल के देता हूँ बाटली भर के। आप गौमूत्र रोज पीता? हाँ, तो आप गौमूत्र बेलपत्रा उसमें घुमा के गिलास मार लेता है, मार लेता है। हाँ, सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे। तो देखो जो चीज़ मैंने आपको बताया कि मेरी दवाई से ज़्यादा जो है वो गऊ का गौमूत्र काम करता है, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है जी। बाकी जो दिनचर्या बताया मैंने आपको खाने पीने के बारे में, वो सारा आपने फॉलो किया? बिल्कुल, मूंग की दाल की खिचड़ी, दूसरा कुछ खाता ही नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, मैं कभी कभी ज्वार की, गऊ तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा अच्छा, और क्या नाम है, बनता हूँ मिट्टी के बर्तन, बर्तन मिट्टी के बर्तन, बनाने का भी वही, खाने का भी वही। और आप लोग? हम लोग स्टील की, वो छोटे छोटे मिला है ना, उसका उसका हो जाता है। आप लोग भी चेंज कर लो, ऐसा ही क्या? हाँ, क्योंकि आप लोग अगर चाहते हो कि आप जिंदगी में आप लोग किसी अच्छा, तो आप लोग भी चेंज कर, चलेगा, ठीक है। तो अब आपको काफ़ी खुशी है कि हमने जहाँ भी इलाज करवाया आज, तो मैंने जितनी भी चीज़ बताई, जैसे दांत साफ करने के बारे में, बिल्कुल वो भी कर रहा है। किससे करता है वो? लकड़ी, नीम की, नीम के दांत से, ठीक है। और आप लोग किससे करते हो? कौन वो बरस नहीं, बरस भी नहीं रहता मेरे पास, नमक लिया नहीं तो भी कुछ भी मिला दो। अच्छा अच्छा, नमक, तेल, हल्दी से उंगली वही करते हैं? हाँ, आप लोग भी किया चेंज, ठीक है ना। तो नीम का मेरे को सहन नहीं होता, बहुत कड़वा लगता ना। तो नमक घस लेने का। तो अभी लोगों को आपको ये बात बतानी है, ठीक है जी। और आप मलिक साहब? हाँ सर। हाँ हाँ, तो आज आपकी दवाई भी है? बंद हो गई, आज बंद कर रहा है, ठीक है। और आज बिल्कुल माता जी भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ। तो आज जो एक वीडियो शायद पहले बनाई थी आपकी? मैंने नहीं, एक बनी थी ना, नहीं आप बात हो गई रह गई थी, सिर्फ बात हुई थी। अच्छा अच्छा, तो आज मैं तो आपके बारे में भी पूछना चाहूँगी, आज जो गऊ को लेकर या जो मेरे राजीव दीक्षित के विचार थे उनको लेकर अगर अपनी भी कुछ बातें आज रखें कि भी हम एलोपैथ से आपने भी ट्रीटमेंट लिया होगा? नहीं, हम तो जैसे जिस दिन पता लगा था नेक्स्ट डे आपके पास थे, सीधे ही आ गए थे। किन किसने बताया था मेरे बारे में आपको? आचार्य सानंद जी ने। आचार्य सानंद जी ने? हाँ, वो मेरी मिसेज पढ़ती हैं उनसे। अच्छा अच्छा, तो जब भी बात चली, जब उन्होंने आपका नाम लिया अगले दिन ही, तो हमें यहाँ सुबह हम लोग यहाँ हमने कहीं से कोई ट्रीटमेंट कहीं ट्रीटमेंट नहीं लिया आपने? एक गोली भी नहीं, एक गोली। देखो सबसे बड़ा आपको आयुर्वेद पर विश्वास था, क्योंकि आजकल क्या होता है कि सीधा कोई नहीं आता है भाई, जब तक कौन चाहेगा कि आयुर्वेद के पास जाके, क्योंकि अभी तक किसी को लगा भी नहीं कि आयुर्वेद से ठीक होते हैं। अब तो काफ़ी लोग संख्या हो गई है जो आयुर्वेदिक के पीछे भग रहे हैं अभी थोड़े थोड़े बच्चे, बिल्कुल। तो इसलिए तो हॉस्पिटल कम हो रहे। अब हॉस्पिटल के देखो जब पलंग ही खाली है ऐसा समझ लो, खाली तो नहीं चलो आपके विश्वास पर। तो आप अपना विचार भी बताएं जी आज कि भी क्या कंडीशन थी जब हम आए। तो मदर जब डायग्नोज हुआ तो उन्होंने कहा था कि 10 दिन का प्रोग्राम, 10 दिन तक माता चली जाएगी। 10 दिन में ही? हाँ,
हालात, आवाज नहीं निकलती थी, चल नहीं पाते थे, खाना छूट गया था, लेटे रहते थे, बुखार रहता था एनी टाइम, हमेशा ही बुखार रहता, हमेशा थोड़ा बहुत बुखार रहता था। ठीक है, यहाँ आने के बाद नेक्स्ट डे शायद दूसरे दिन से बुखार नहीं हुआ, खाना बंद हो गया, खाना शुरू कर दिया, ठीक फ्रेश होने लगे, फैट कम हो गया, आवाज निकलनी बंद हो गई। जब तीसरी मंजिल तक सुनता है, नीचे से आवाज मारते हैं तो पता लगता है कि हाँ माँ बोली है। फिर टाइम घूमते फिरते हैं, अपना काम करते हैं, सारा कुछ घूम के आते हैं, बढ़िया। तो दो किलोमीटर से पास तीन किलोमीटर घूम के आते हैं, सारा दिन अपना जो छोटा मोटा काम वो करते हैं। हम पे ग्लो आ गया है बच्चों जैसा, हंसते हैं, मैं क्या माँ बुढ़ापे में भी सोनी हो गई, तेज आ गया, मतलब चेहरे की तरफ देखने का मन करता है, यूं करता है कि देखते रहो, नहीं तो बड़ा अजीब सा हो गया था ग्रो। ठीक है, फिट है, आज दवाई मत होगी, वही टेंशन। तो आज 7 महीने हाँ 7 महीने दवाई ली। कहाँ प्रॉब्लम थी उनको? लीवर। अच्छा, लीवर 3 इंच लंबी थी शायद, 3 इंच लंबी और 30-40 सेंटीमीटर। देखो अब सबको एक ही बात दिमाग में है कि डॉक्टर बताएगा, जांच बताएगी, रिपोर्ट बताएगी। हम कहते हैं जो पेशेंट खुद बता रहा है कि मेरी गांठ महसूस हो रही थी, अब डिजोल्व होगी, खत्म होगी, तो क्या ये नहीं है आपका, अपने शरीर का अपने को ज्यादा पता लगेगा, अपने शरीर को। लेकिन हमें सबको ये लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाके जांच करवाएं, लेकिन जब ये जांच मशीनें नहीं थी तब भी तो ठीक होते थे, तो उस समय कैसे पता चलता था कि पेशेंट ठीक हुआ? ये तो अब आई ना 50 साल, जैसे बुखार होता है कुछ और हो गया, 3 दिन दवाई ली, बाद में कोई टेस्ट तो ना कराते हैं, शरीर ने बता दिया ठीक, तो शरीर ने बता दिया। मैं इसी को मानता हूँ, मेरे जो पेशेंट थे जी एक बिल्कुल ठीक हो गए थे, वही पल कुछ घंटे का मेहमान बताया गया था उसको, और 3 महीने तक बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि आप जैसे बोल रहे हैं कि चलो जांच करवा लेते हैं, पैट सिटी करवाया जी उन्होंने, पैट सिटी में अब मैं उस बात को जो चीज़ मेरे सामने आया वो आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं कोई ये दावा नहीं कर रहा, लेकिन जिस टाइम उन्होंने करवाया उनको एक लिक्विड दिया गया पीने के लिए, रेडिएशन दिया गया, उसके बाद वो खाना बंद कर दिया, 1 हफ्ते में उसकी डेथ हो गई। मैं ये कहता हूँ कि देखो जो चीज़ बंदा ठीक है, आप लोग जा रहे हो जांच कराने, पेशेंट बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, ग्लो आ गया बता रहे चेहरे पर, ग्लो आ गया, अब उसको कोई पेशेंट बता नहीं सकता, अच्छी तरह खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, सारा काम पहले, अब आज जैसे आप बोल रहे हो सुनना पड़ता था कि माता क्या कह रही है, और अब ऐसे इतनी दूर आप खड़े हो तो पता कि माँ बोल रही है, जाओ बात है, तो नहीं अब कुछ नहीं। मैंने आपको बताया भी था कि देने वाली कुछ नहीं है, देने वाली तो गौ माता है। मैं जब बीमार हुआ तो मैंने तो कोई दवाई भी नहीं ली थी, मैंने बताया नहीं मेरे वीडियो में, मैंने सिर्फ गौमूत्र पिया था जी, और आज तक जांच नहीं कराया मैंने, आपके सामने बैठा हूँ मैं, हाँ दर्द अब भी मेरा हो जाता, कभी हो जाता पीठ में हो जाता, अब मैं सोचूंगा फिर से क्या मेरे को टीबी होगी। मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक पेशेंट था जिसको गॉल ब्लैडर में था, पेट में दर्द रहता था, वो बिल्कुल ठीक हो गया, अब वो 3 महीने के बाद आया, बोले जी मेरे एडी में दर्द हो रहा है, तो कहीं एडी में तो नहीं चला गया कैंसर मेरा। तो सबसे पहले तो कहता हूँ मैं कि आप दिमाग से निकालो इस कैंसर वाली बीमारी को, दिमाग से निकालो, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये उदाहरण है, अब जो ये बोल रहे हैं ये उदाहरण है। अब ये भैया बता रहा है ट्यूमर के बारे में, ट्यूमर को लेकर तो मेरे कई पेशेंट दे दूंगा आपको मैं, कई लोग पूछते हैं ना कि ट्यूमर को लेकर कोई पेशेंट ठीक हुआ है क्या, तो एक तो भैया बैठे हैं यहाँ, और मैं आपको भेज दूंगा, और कई पेशेंट के नंबर आप में किसी का फ्लैश नहीं करता जी, ना नहीं अच्छी बात है जी, जिनको भी चाहिए आप यहाँ पर आओ, मैं आपको नंबर दूंगा, घर जाके मिलो, ठीक बात, फ़ोन पर बात करने वाला सिस्टम बंद जी हो रहा है नहीं, और आप जाके मिल आओ, तो अभी आपके सामने है, तो मैं तो कहूँगा कि जाँच मेरा पेशेंट बताता जी, और मैं उसी को मानता हूँ। जैसे आप रिपोर्ट लेके आए, मैंने बोला भी था कि मैं किसी रिपोर्ट्स के आधार पर ट्रीटमेंट नहीं करता, क्योंकि रिपोर्ट्स में तो बता दिया गया कि ये बचेगा ही नहीं, आप इनकी सेवा कर लो, तो क्या उस पेशेंट को मैं लूँगा, ये तो मेरे पर दाग लगाने वाली बात है। और पेशेंट की देखो डेथ भी हो रही है, हाँ? मैं नहीं कहता कि 100% मैं ठीक कर रहा हूँ कि 100%, कई लोग मेरे देखे अपने कमेंट्स में कि जो गलत है जी, ये तो फ्रॉड है जी, तो आप बता दो कि ये आपके सामने बन रही वीडियो ये फ्रॉड है। तो मैं नहीं कहता कि हर बंदा को मैं ठीक कर दूंगा, गारंटी से ठीक कर दूंगा, और मैं जादूगर हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ये गलत है। लेकिन जिस आयुर्वेद को लोगों ने ख़त्म कर दिया था, विश्वास उठ गया था लोगों का आयुर्वेद पर, उसको जिंदा करने का कोशिश कर रहा हूँ जी, और ये आप लोग ही उदाहरण हो।
मैं नंबर जिनको भी चाहिए तो इनके नंबर भी दे दूंगा, आप यहाँ के ले सकते हो, इनके घर जाके दे मिल सकते हो, पेशेंट को मिल सकते हो जी। यही मेरा एक सच है और यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मैं किसी को नहीं बोलता, आपको बताया था मैंने कि मैं देखो बता रहा हूँ कि मैं किसी की गारंटी नहीं लूँगा, प्रयास करूँगा। आप ठीक हो जा रहे हो, 20 दिन के बाद बोलता हूँ कि 20 दिन के बाद आपको आराम मिलता तो दवाई दूंगा, नहीं मिलता तो मैं नहीं दूंगा, यही कहता हूँ मैं। अब 20 दिन में मैं आपको क्या लूट लिया और क्या आपसे ले लिया? यहाँ तो लोग सिर्फ रिपोर्ट करवा के ला रहे हैं, रिपोर्ट रिपोर्ट के बता रहे कि 2 लाख 2.5 लाख की तो रिपोर्टें हुई है। तो ये लूट से मैं चाहता हूँ कि कम से कम लोगों को विश्वास लगेगा धीरे धीरे। और मैं कहता हूँ आज इनकी आपकी दवाई बंद हो रही, तो आपने बोला आपको क्या करना, अब इनका जो दिनचर्या बताया वो रेगुलर रहेगा, जो गौमूत्र है वो अब रेगुलर रहेगा, यही बताया मैंने आपको, इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप अभी तक मैं गौमूत्र पी रहा हूँ। अब जो गौमूत्र के नाम से व्यापार कर रहे हैं लोग, वो नहीं लेना है, ठीक बात है, अपना अपना सीधा गौ माता से लेना है जी। अब आप बोलोगे कहाँ से लाएं कैसे लाएं, वो मेरे को नहीं पता, ताजा ही लाओ पियो लाओ, ताजा दुकान से नहीं लाने, दुकान से रामदेव जी का बोध है पटली, किसी का नाम लेना गलत है जी। हम एक बात कहना, मैं खुद बोलता हूँ, कोई नहीं वो मजा नहीं। हाँ तो मैं ये कहता हूँ कि सीधा गाय से लेकर, अगर मैं भी आपको कहता हूँ कि मैं आपको दूंगा गौमूत्र, मैं दूंगा मेरे से लेके जाओ, नहीं गाय से लाओ, सीधा गाय से लेके आओ जी। तब गौशाला जाओ, गौशाला में एक गाय जो है आप अपनी सेवा के उसमें ले लो। हाँ जी ठीक है, आप गौशाला में जाके, गौशाला में आपकी गाय होनी चाहिए कि ये मेरी गौ माता है, ठीक है जी। चलो जी बड़ी खुशी हुई जी, आज आप दोनों एक साथ आपने, तो मैं यही बातें लोगों तक पहुंचानी है। आप रोहतक से है ना जी? जींद से। जींद? हाँ जी। अच्छा जींद में किस जगह अपना लोकेशन मालूम है? थर्मल स्टेट में। ठीक है, जिनको भी जींद के बारे में कुछ मिलना भी हो जाना तो मैं नंबर दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नमस्कार।